रणबीर कौर और ध्वज लिए जा रहे हैं हेड कॉन्स्टेबल राहुल। सीआईएसएफ को फॉलो करती हुई सीआरपीएफ की टीम और यहां पर फ्लैग कार होल्ड किए हुए जा रही है एसजीसी टीम मुबीना तबस्सुम और ध्वज हाथों में लिए सलामी देते हुए जा रहे हैं हेड कॉन्स्टेबल एसजी शाह। सीआरपीएफ की टीम सामने से गुजरती हुई सलामी देते हुए जा रही है। सीआरपीएफ के बाद सामने से गुजरती हुई टीम दलित मिश्री और यहां पर फ्लाई कार रोड की ओर जा रही है हेड कॉन्स्टेबल रुखसाना मकबूल और ध्वज हाथों में जा रहे हैं कॉन्स्टेबल प्रणव। दिल्ली पुलिस को फॉलो करती हुई जा रही है गोवा पुलिस की टीम और यहां पर हेड कॉन्स्टेबल रणबीर कौर ने फ्लैग कार्ड होल्ड किया हुआ है और ध्वज से सलामी देते हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल सुदेश। टीम सलामी देती हुई सामने से गोवा पुलिस के बाद अगली टीम गुजरात पुलिस और यहां पर एक बार फिर रविंदर कौर है हमारी हेड कॉन्स्टेबल जो फ्लैग कार्ड होल्ड किए जा रही है और ध्वज संभाले को जा रहे हैं कॉन्स्टेबल ईश्वर बी रथुआ। गुजरात टीम को फॉलो करती हुई जा रही है हरियाणा पुलिस टीम और यहां पर हेड कॉन्स्टेबल शौकत गुल फ्लाई कार होल्ड किए हुए और ध्वज को संभाले हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल रितेश। हरियाणा टीम सामने से गुजरती हुई हरियाणा के बाद आपके सामने से गुजरेगी टीम हिमाचल प्रदेश पुलिस और यहां पर फ्लैग कार्ड होल्ड किए हुए जा रही है नजीबीना अख्तर हेड कॉन्स्टेबल और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल मनान। हिमाचल प्रदेश के बाद एनडीटी आईटीबीपी और यहां पर एसडीसी की रिपोर्ट जान फ्लाई कार्ड होल्ड किए हुए और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल कृष्णा। आईटीबीपी के बाद आपके सामने से गुजरेगी झारखंड पुलिस की और ये दोनों टीम हैं जो सामने से गुजरते हुए सलामी देते हुए जाएंगे और यहां पर हेड कॉन्स्टेबल फिरदौसा अख्तर है जो फ्लाई कार्ड होल्ड किए हुए हैं और ध्वज को संभाले हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल आलोक राज। झारखंड टीम के बाद 68 डीएन मौलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप जो हुई थी फुटबॉल चैंपियनशिप उसके जो विनर थे वो थी केरला टीम और अब आपके सामने केरला पुलिस की टीम। जी हां केरला पुलिस यहां हेड कॉन्स्टेबल परवीना अख्तर फ्लाई कार्ड होल्ड किए हुए हैं और श्रीराज हेड कॉन्स्टेबल संभाले हुए हैं ध्वज। केरला टीम लास्ट टूर्नामेंट की विनिंग टीम और उन्हें फॉलो करने को जा रही है मध्य प्रदेश की टीम। जी हां मध्य प्रदेश पुलिस और यहां पर फ्लाई कार्ड होल्ड किए जा रही है हेड कॉन्स्टेबल पंकोज कौर और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं तरुण राज। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पुलिस टीम सामने से आती हुई और यहां पर महाराष्ट्र पुलिस के साथ जो एसडीसीटी है ये है नाजा बानो फ्लाई कार्ड होल्ड किए हुए और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं अमर द्विवेदी ये कॉन्स्टेबल है महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस टीम के बाद आपके सामने से गुजरेगी
मणिपुर टीम और मणिपुर पुलिस टीम में दोनों टीम्स हैं, मैन एंड वुमेन, आपके सामने से गुजरती हुई। यहाँ शमशाद अख्तर है कॉन्स्टेबल, जिन्होंने अप्लाई कार्ड संभाला हुआ है, और यानी देवी है एएसआई जो ध्वज संभाले हुए सामने से गुजर रहे हैं। मणिपुर के बाद टीम सामने से आती हुई मेघालय पुलिस टीम, और यहां पर प्लेट कार्ड उठ किए हुए हैं कॉन्स्टेबल शाहिन अख्तर, और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं अर्जुन मोनलोंग। जी हाँ, ये ऐसा ही है। मेघालय के बाद अगली टीम सामने से गुजरती हुई मिजोरम पुलिस, और यहां पर प्लेट कार्ड उठ किए हुए हैं परविंदर कौर हेड कॉन्स्टेबल, और ध्वज संभाले हुए हैं कॉन्स्टेबल जस हंता। ये मिजोरम टीम सामने से गुजरती हुई और मिजोरम को फॉलो करती हुई जा रही है उड़ीसा पुलिस टीम। जी हाँ, यहाँ मैन एंड वुमेन दोनों टीम्स हैं, और मुबीना अख्तर है एसजीसीबी जिन्होंने प्लेट कार्ड वोट किया हुआ है, और ध्वज संभाले जा रहे हैं ट्रांग लामा कॉन्स्टेबल। उड़ीसा पुलिस टीम को फॉलो करती हुई जा रही है पंजाब पुलिस, और यहाँ एसजीसीबी परवीना अख्तर है प्लेट कार्ड होल्ड किए हुए, और एएसआई हर्षदीप सिंह है जिन्होंने ध्वज संभाला हुआ है सलामी देते हुए पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को फॉलो करती हुई पुडुचेरी पुलिस, यहाँ पर प्लेट कार्ड संभाले हुए हेड कॉन्स्टेबल शाहिन अख्तर, और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेबल मास अरुणराज। और अब आपके सामने से राजस्थान पुलिस टीम प्लेट कार्ड संभाले हुए हैं हेड कॉन्स्टेबल तायरा परवीन, और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं सलामी देते हुए कॉन्स्टेबल कमल जी राजस्थान पुलिस टीम। और राजस्थान पुलिस टीम को फॉलो करती हुई आरपीएफ टीम, और यहां पर हेड कॉन्स्टेबल कौशल परवीन है प्लेट कार्ड संभाले हुए, और यहां हेड कॉन्स्टेबल है सिंगर रॉय जिन्होंने ध्वज संभाला हुआ है। आरपीएफ टीम के बाद आपके सामने से आ रही टीम सिक्किम पुलिस, या हेड कॉन्स्टेबल दिल अफरोजा है प्लेट कार्ड संभाले हुए, और कॉन्स्टेबल दीप राज है ध्वज संभाले हुए सलामी देते हुए आपके सामने से सिक्किम पुलिस टीम। सिक्किम पुलिस टीम के बाद अगली टीम आपके सामने से गुजरेगी, ये है एसएसबी मैन एंड वुमेन फोर्थ टीम, और यहां एलटीसी टीम महमूदा बानो है प्लेट कार्ड संभाले हुए, और कॉन्स्टेबल रंजीत तारकोमा है ध्वज संभाले हुए सलामी देते हुए। एसएसबी टीम सामने से गुजरती हुई, एसएसबी के बाद अगली टीम जो सामने से गुजरेगी ये है तमिलनाडु पुलिस टीम, इसमें मैन एंड वुमेन दोनों टीम्स हैं। यहाँ पर फैमिली डॉक्टर है कॉन्स्टेबल प्लेट कार्ड संभाले हुए, और कॉन्स्टेबल विजय कुमार है ध्वज संभाले हुए सलामी लेते हुए टीम सामने से। तमिलनाडु पुलिस टीम लालू के बाद अगली टीम आपके सामने से गुजरती हुई तेलंगाना पुलिस टीम, यहाँ हेड कॉन्स्टेबल जरीना अख्तर है प्लेट कार्ड संभाले हुए, और एएसआई लक्ष्मण है ध्वज संभाले हुए सलामी लेते हुए तेलंगाना पुलिस टीम। तेलंगाना के बाद अगली टीम सामने से गुजरती हुई उत्तराखंड पुलिस टीम, यहाँ हेड कॉन्स्टेबल नीलोफर जान है प्लेट कार्ड संभाले हुए, और हेड कॉन्स्टेबल संदीप नेगी है ध्वज संभाले हुए सलामी देते हुए टीम सामने।
उत्तराखंड को फॉलो करती हुई वेस्ट बंगाल पुलिस टीम, यहाँ पर एलजीसीटी हिमाली है जिनने प्ले कार्ड संभाला हुआ है और ध्वज संभाले हुए जा रहे हैं इंद्रजीत शी कांस्टेबल वेस्ट बंगाल टीम। और आखिर पर आपके सामने से होस्ट टीम, जी हाँ, जेल के पुलिस मैन एंड वुमेन टीम। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल आमिन अल्ताफ है, प्ले कार्ड संभाले हुए, और कांस्टेबल मुजम्मिल फारूक है ध्वज संभाले हुए, सलामी लेते हुए जेल के पुलिस। जोरदार तालियां सभी टीमों के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, यहां जोरदार तालियां प्लीज। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष इस प्यारे से बख्शी स्टेडियम में समा गया है। सलाम हिंदुस्तान। मैं मीडिया से आए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि यहां पर विरोध के लिए टीम सामने आएंगी तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही आप अपनी पोजीशन संभाल लें। आज के दिन, जी हां, ये ओपनिंग सेरेमनी है 71वें बीएन मौलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 की। और हम इस्तकबाल करते हैं सभी टीमों का जो यहां आज हमारे साथ हैं। और आज के दिन हम वेलकम करते हैं हमारे चीफ गेस्ट श्री तपन कुमार जीका जी का, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम वेलकम करते हैं श्री दिलबाग सिंह जी का, आईपीएस डायरेक्टर जनरल पुलिस जेल के, जो कि चेयरमैन भी हैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। हम वेलकम करते हैं श्री एसडीएम जिलानी साहब का, आईपीएस एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस आर्म जेल के, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इस टूर्नामेंट के। इसके अलावा हमारे बीच जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हैं उन सबका आज के दिन बहुत बहुत वेलकम। इसके अलावा हम वेलकम करते हैं।